उसके बाद भी किसी न किसी तरह से कहा जाते टूर्नामेंट में रुकावट पैदा कर रहे हैं आप लोग, तो ऐसे में कमेटी बाद मैदान पर चली जाती है और एक मिनट के बाद अगर टीम नहीं पहुंच रही है तो मौजूदा टीम को एक बड़ा गोल दी जाएगी। और वही ब्लैक एंड येलो के कॉम्बिनेशन पर नंदी एफसी 52 गोलागिरी, नाम के अनुरूप दोनों ही दल बहुत ही बेहतरीन, मगर आप अपनी बेहतरीनता जो है उनको साबित करनी पड़ेगी कि सही में हम अपने टीम के साथ बेहतरीन है। करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज टूर्नामेंट का दूसरा दिन पुरुष वर्गों के लिए अंतिम दिन और कल महिला वर्ग के फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन है। ये फर्स्ट राउंड का चौथा नंबर जो टीम है वो टीमें हैं हांसदा एफसी, लक्की एफसी, डीएफसी, कोडिया एफसी, मार्शल एफसी और उल्दा एफसी की ओर से पहला किक लेंगे। अंतिम मैच के लिए चार नंबर जर्सी एफसी और सलमा एफसी के रूप में जाके टीम शामिल है। और शुरुआती क्षणों में एक बढ़त मुकम्मल करती हुई यहां पर पंची स्पोर्टिंग की टीम और ये बाहर क्षमा करेंगे नंदी एफसी की टीम। गोल करने वाले खिलाड़ी थोड़ा सा विशु जर्सी नंबर 10 पर नजर आ रहे हैं, जो अपनी टीम के लिए बढ़त दिलाई है और एक उम्मीद जगाती है कि इस मैच में हम विजेता बनेंगे, मगर पंची स्पोर्टिंग उलटफेर करने में जानी जाती है, काफी सारे मैचों में उलटफेर कर चुके हैं, तो यहाँ पर मौका है उनके पास, समय की कमी नहीं है, मगर अपने खेल और अपने हौसले में उड़ान भरने की आवश्यकता है। थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे तो वापसी कर सकते हैं, समय काफी है। चलिए यहाँ पर एक फाउल किक मिली है दूर से, मगर गलत पास जैसे नंबर 11 जरा सा ध्यान देंगे टीमों के जो मैनेजर हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट होता है कि जब भी टीम मैदान पर पहुंचती है तो सबसे पहले आप कमेटी में संपर्क करेंगे, जो औपचारिकताएं हैं कमेटी के साथ उनको पूर्ण करेंगे। खिलाड़ियों की सूची के लिए फॉर्म दी जा रही है, मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नगद इनाम के साथ साथ काफी सारे व्यक्तिगत पुरस्कार भी हैं और उस पुरस्कार के चयनित के लिए जो भी हमारे चयन करता है वो जर्सी नंबर के आधार पर ही चयन कर टीम के खिलाड़ियों के जर्सी नंबर अंकित करें। आप लोग जर्सी नंबर अंकित नहीं किए हैं ऐसे में पहचान करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि सबों का नाम बोलना और नाम के जरिए पहचान कराना ये संभव नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि जर्सी नंबर जरूर अंकित करें। तो बीते कल कुल मिलाकर 13 गोल आए थे और आज अब तक 4 गोल आ चुकी हैं, तो कुल मिलाकर 17 गोल, जहां पर सुखलाल माझी एक गोल किए हैं, बलराम पात्र एक और जगदीश हांसदा ने एक गोल किया है, और वहीं उन सबों के पीछे पीछे नंदी एफसी 52 गोला के खिलाड़ी पीशु, उन्होंने भी अपनी टीम के लिए गोल किया है, तो कुल मिलाकर 4 गोल आ चुके हैं ग्रुप बी के खेल में और बीते कल कुल मिलाकर 13, यानी कि कहा जाए तो कुल मिलाकर 17 गोल आ चुकी है और अब हम 18वें गोल का इंतजार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि 18वां गोल। और यहां पर पेनाल्टी मिलेगी तो बराबरी का गोल दागने का मौका यहां पर मिल सकता है,
पंची स्पोर्टिंग सिलेबस सोच विचार।